अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो वैरायटी का हमारा सीड रेयर है उसको हम हमारी इससे निकालेंगे, मतलब हमारी वाली थ्रेसर से निकालेंगे, तो इसको ले करके जा रहे हैं। वो इससे इसलिए निकालना है ताकि क्या है कि थोड़ा अगर नमी भी हो, क्योंकि मानसून दिख रहा है, देखो आप, मानसून ऐसा बोल रहा है भैया मैं आऊँगा, तो मैंने कहा तुम आओ तो तुम्हारा स्वागत है, उससे पहले जो हमारी वैरायटी है वो हम निकाल लेंगे, तो फ्री हुए। क्योंकि फसल का नुकसान करने से अच्छा है कि उसको घर ले आए। तो ये हमारा अभी फिलहाल का प्लान है, हाल फिलहाल का। थ्रेसर को चलाने में ये जैसे ये लगा हुआ तो ये दिक्कत, ऐसा डर लगते रहता है कि ये कहीं पलट नहीं जा। अच्छा, ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या लगा है, वो तो ऐसे लेके जाता है कि जो भी होगा घसीट के ले जा लूँगा। ये थोड़ा सा डर लगते रहता है। अभी आज ये मानसून देखो आप, किसानों को बर्बाद करने के लिए ऐसा तन गया है कि बस मत पूछो। तो भैया कहीं आग धर आ गई, ये जगह रिस्की है, यहाँ पे करता हूँ मोबाइल बंद, क्योंकि यहाँ थ्रेसर पलट सकती। बादल आप देख सकते हो बहुत तबीयत से बन चुके हैं, और दो ढेर हमारे रह गए हैं मूंग के, एक ये है और एक वो है, तो
और जितना निकला उतना हमने हमारी ट्राली में भर लिया है मूंग, और अब हम निकल पड़े हैं हमारे घर की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। तो दिक्कतें काफ़ी हैं, कुछ तो गिरा भी। नहीं गिरा उसकी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस साल मानसून हमें काफ़ी बचाएगा मूंग में, और देखते हैं कि कितना आफत भरनी पड़ती है। वैसे जानवर अगर आ जाते तो यहाँ बढ़िया चारा था यार, खा लेते, लेकिन अभी तो जानवर है ही नहीं इधर, चारा बच जाएगा पूरा। आज है हमारा चौथा दिन, और आज के दिन में आप देख सकते हो ये मान्यवर जो है इसको उठाया जा रहा है, और इसको अब हम थ्रेसिंग करेंगे। थोड़ा सा कल रात को बहुत ख़तरनाक माहौल बना, बहुत हवाएं चली और मैं बच गया अभी गिरने से। बहुत हवाएं चली पर ये हुआ कि मानसून जो है, मतलब जो पानी गिरना से बचा लिया जैसे तैसे करके, तो हमारे को थोड़ी खैरियत आ गई। बाकी दिक्कतें बहुत है भैया, ये मानसून जो है वो बहुत गड़बड़ कर रहा। वो पल्ली उधर भी रखे ले, 6-7 पल्ली हों जी, अगर लेनू हो तो उठा लीजिए उधर से। तो ये जो मूंग है इसका मैं ढेरी आपको दिखा देता हूँ, मतलब जो ढेर में लगा हुआ है। वैसे रेंडमली जैसे मैं पौधे उठा रहा हूँ तो उसमें आप फल देख सकते हैं। ये जैसे एक पौधा उठाया तो नीचे 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फली है इसमें। तो इस प्रकार की इसमें फलियां हैं, फल है। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के लोग देसी भाषा में कहते हैं कि काली फली पकी मतलब एवरेज अच्छो पक्यो, और लाल फली पकी मतलब एवरेज तुम्हारो पिटा गए। तब इसका पता हमें चलेगा कब, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, मतलब ये निकलेगा जब। अभी सिर्फ कटा पड़ा है और लग्गियों का बहुत नुकसान हुआ है, मतलब जो उठाने वाले हैं उनने थोड़ा सा नुकसान कर दिया। ये देखो ये प्लॉट की कंडीशन। अभी हम चलते हैं थ्रेसर के पास। 80 लेवर टोटल चल रही है, 40 इस खेत में चल रही है, 40 इसके उधर वाले खेत में चल रही है, ऐसे करके 80 लेवर का कार्यक्रम चल रहा है। थ्रेसिंग चल रही है, थ्रेसिंग में जो है हमारे 7-8 भाई लगे हुए हैं। और अब जैसे ये खेत ख़त्म होगा, फोर व्हील में हम टांग देंगे हमारा प्लव, और फिर प्लव से हम सटासट जो है निकालेंगे हमारा, क्या बोलते हैं उसको, निकालेंगे हमारा खेत प्लोइंग के।
हमारा मान्यवर निकलना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो अच्छी कड़वी सूखी हुई है पर्याप्त, प्रेशर में कोई दिक्कत एक रुपए की नहीं है और बढ़िया गाला खींचे जा रही है। और इसका दाना पीडीएम जैसा आता पीडीएम से थोड़ा सा अलग, लेकिन छोटा दाना आता है, बड़ा दाना नहीं। ये है हमारे फरमान भाई की थ्रेसर जो हर साल आती है। ये थ्रेसर बहुत ज़ोरदार है, थोड़ा सा इसको ठंडा माल चाहिए पर ये दाल बिल्कुल नहीं करती, ज़्यादा सूखे हुए माल में दाल करती है।